नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात कर रहे थे। ये डाटा को ग्राफिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें हमने लाइन डायग्राम की बात की थी और सिंपल बार डायग्राम की बात की थी। और इसके अलावा हमने मैंने आपको बताया था कि बार डायग्राम चार तरह के होते हैं, सिंपल और मल्टीपल और सब डिवाइडेड परसेंटेज, और एक और होता है ड्यू डायरेक्शनल। इसमें से हम सिंपल बार डायग्राम की और मल्टीपल बार डायग्राम की बात कर चुके हैं। आज हम जो देखेंगे वो कहलाता है नेक्स्ट टाइप, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और इसको हम कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोनेंट बार डायग्राम, क्योंकि यहाँ हम छोटे छोटे सब डिविजन्स बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे बार के, इसलिए ये कंपोनेंट बार डायग्राम कहलाता है। इंडिविजुअल बार को हम सब डिवाइड करते हैं, बार फिर से डिवाइड करते हैं वेरियस पार्ट्स में या कंपोनेंट्स में, और इन कंपोनेंट्स का जो साइज़ है वो वेरिएबल के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। क्या किस मैग्नीट्यूड का वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी साइज़ जो है वो फिक्स करते हैं। सिमिलरली फिर हम डिफरेंट कलर्स और शेड्स जो है वो इसको कंपोनेंट्स को अलग अलग दिखाने के लिए भी काम में लेते हैं, और जो डिस्टेंस है बिटवीन द बार एंड द विड्थ ऑफ द बार इज़ कैप्ट कॉन्स्टेंट। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये वन डायमेंशनल डायग्राम है, इनमें केवल ऊंचाई का इम्पोर्टेंस है। इसकी जो चौड़ाई जो हमने रखी हुई है वो केवल नज़रों के लिए, कि हमें देखने में वो अट्रैक्टिव लगे, खूबसूरत बनाए रखने के लिए रखी हुई है। अगर ज़्यादा हमारे पास रीडिंग्स है तो हम कम चौड़े बार बना सकते हैं, और कम रीडिंग्स है तो ज़्यादा चौड़े बार बना सकते हैं। तो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, डायग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए, हम केवल इसकी चौड़ाई की और उनके बीच की जो दूरी है बार्स के उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, और केवल जो है एक ही डायमेंशन, ऊंचाई का डायमेंशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल है। ये साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एक कॉलेज में डाटा है, और इसको हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम के रूप में शो करना चाहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जोलॉजी में लगातार चार सालों में बच्चों के कितने मार्क्स आए उसको हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम में शो करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि चार बार डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, और एक तरफ हम ईयर्स लिख लेते हैं, जिसमें भी कि चौड़ाई जो मैं बात कर रही हूँ, चौड़ाई और बीच के डिस्टेंस की इम्पॉर्टेंस नहीं है। चारों सब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम अलग अलग कलर्स का यूज़ करते हैं। जैसे जूलॉजी को हमने यहाँ पे पर्पल कलर से दिखाया हुआ है, बॉटनी ग्रीन कलर से, केमिस्ट्री रेड कलर से, और फिजिक्स को हमने यहाँ ब्लू कलर से शो किया हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, जो दूसरा एक्सेस है वाई एक्सेस, वहाँ पर हम मार्क्स लिख देते हैं। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में हमने 0 से लेके 140 तक यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं। अब हमने क्या किया, 2001 में इन चारों मार्क्स को ऐड कर लिया, 45, 35, 25 एंड 24, इन सबको हमने ऐड किया, और जो हमारा एडिशन आया 129, उस 129 का हमने एक बार बना दिया, जो आपको दिखाई दे रहा है 2001 के पैरेलल हमको एक बार दिखाई दे रहा है 129 का, और इसमें से हमने 45 पे डॉट लगाया और फिजिक्स को ब्लू कलर दे दिया। उसके बाद 45 प्लस 35 तो अकॉर्डिंगली हमने 80 पे डॉट लगाया और हमने रेड कलर केमिस्ट्री को दे दिया। उसके बाद उसमें 25 जो 85 में और जोड़ दिए, और 110 पे हमने डॉट लगाया और बॉटनी के कलर कर दिए, और लेफ्ट ओवर जो कंपोनेंट हमारा बच गया क्योंकि हमने टोटल का बनाया था, या और आप 24 और प्लस कर दीजिए इसमें, और वो हमने जूलॉजी के लिए कंपोनेंट बना दिया। तो इस तरह से हमने एक एक सब्जेक्ट को उसकी पूरी वैल्यू देते हुए चारों के लिए यहाँ पे हमने कंपोनेंट बना दिए, और इस प्रकार का जो डायग्राम है वो सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहलाता है। 2002 में देखिए आप 43 फिजिक्स के, उसके बाद 43 के आगे 37 हमने केमिस्ट्री के जोड़ दिए, 23 हमने बॉटनी के जोड़ दिए, और ऊपर हमने पर्पल कलर से 20 जो है वो जूलॉजी के डाई कर दिए, शेडिंग कर दिए वहाँ पे। सिमिलरली 2003 में भी फॉलो किया, और ऐसा ही हमने 2004 में भी फॉलो किया, 45 मार्क्स फिजिक्स के दिए, उसके बाद 32-45 में जोड़ के ऊपर हमने केमिस्ट्री के दिए, उसके बाद 20 जोड़ के हमने बॉटनी के दिए, और फिर उसके बाद 24 जोड़ के हमने जूलॉजी के दिए। तो इस प्रकार से हम जो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो कहलाती है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम वो है
जो हम स्टैटिस्टिकल डाटा को हम परसेंटेज की टर्म्स में ले लेते हैं। यहाँ पे जो सिंपल डाटा है उसको हम परसेंटेज की टर्म में लेते हैं, और हर एक बार की जो लेंथ है वो भी कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग खींचते हैं। तो 100 लेंथ का हम एक बार बना देते हैं, और फिर हम बार को जो है कंपार्टमेंट्स में परसेंटेज के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। हर एक कंपार्टमेंट का साइज जो है वो उस कंपोनेंट जो रिस्पेक्टेड उससे जो करेक्टेड जो वेरिएबल है उसके परसेंटेज के कॉरस्पॉन्डेंट हो जाता है। इस प्रकार से हम परसेंटेज बार डायग्राम बनाते हैं। देखिए आप एग्जांपल में आपको दिखाई देगा। अगेन यहाँ पर हमारे पास हमें एक डाटा है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी की मार्क्स का, मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट एंड टोटल, इसका हम जो है एक परसेंटेज बार डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो पहले तो सारी वैल्यूज़ को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। जैसा आपको दिखाई दे रहा है 24/44 बिकॉज द टोटल इज़ 44, तो 24/44 इंटू 100, तो मेल स्टूडेंट कितने हुए फिजिक्स के 54.55%, फिर केमिस्ट्री में कितने हुए 21/47 इंटू 100 तो 44.69, देन बॉटनी में 7/32 इंटू 100 21.87, और जुअलॉजी में 13/36 इंटू 100 36.11। तो इस तरह से हमने मेल स्टूडेंट्स की चारों वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट कर ली। और सिमिलरली अब हमने यही पैटर्न फॉलो करते हुए फीमेल स्टूडेंट्स की भी जो चारों वैल्यूज़ है उनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। जैसे फिजिक्स में 45.45% आ रहा है, केमिस्ट्री में 55.32% आ रहा है, बॉटनी में 78.13% आ रहा है, एंड जूलॉजी में 63.89% आ रहा है। ये जो परसेंटेज आई है अब हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, अब हमें परसेंटेज से मतलब रखना है। तो ये जो परसेंटेज आई है हमने यहाँ पे आगे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के चार जो हैं 100 के, क्योंकि परसेंटेज बार डायग्राम है तो 100 के लेंथ के हमने जो है बार्स बना दिए, और फीमेल को हमने रेड कलर से और मेल को हमने ब्लू कलर से यहाँ पे इसमें शो कर दिया। अब जो हमारी परसेंटेज वैल्यू है देखिए आप फिजिक्स में 54.55 एंड 45.45, ये दोनों हमने यहाँ पे शो कर दी। पहले नीचे हमने मेल स्टूडेंट शो किए तो 54.55 तक उन्हें पहुँचाया, एंड देन लेफ्ट ओवर इज ऑफ फीमेल। सिमिलरली हमने केमिस्ट्री में भी पहले 44.68 जो है मेल का परसेंटेज शो किया, और उसके बाद हमने फीमेल का 55.32 शो किया। तो इस तरह से हम बॉटनी और जूलॉजी में भी जो है परसेंटेज को शो कर देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे है तो कंपोनेंट बार डायग्राम जैसा, पर वहाँ हम टोटल से डील करते हैं, जबकि यहाँ हम उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और चारों की लेंथ जो है इक्वल, मतलब जितने भी आपके बार हैं उनकी लेंथ जो है इक्वल हो जाती है, वो 100 के बनाए जाते हैं और फिर उनको कंपोनेंट्स में उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एक और टाइप यहाँ पर बार डायग्राम की रह गई है विच इज़ कॉल्ड एज ड्यूओ डायरेक्शनल बार डायग्राम, दोनों दिशाओं में जो चल सके ऐसा बार डायग्राम, ड्यूओ डायरेक्शनल बार डायग्राम, और इसको हम डेविएशन बार डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि ये डिफरेंसेस को डेविएशंस को शो करता है ओरिजिनल डाटा के स्थान पर, या डेविएशंस को जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इसलिए हम इसको डेविएशन बार डायग्राम भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो बेस लाइन है, जो जीरो पे जो हम बेस लाइन है उसके दोनों तरफ जो है डायग्राम में दोनों तरफ हम वैल्यूज़ को शो करते हैं, मतलब ऊपर और नीचे की साइड भी, या आप लेफ्ट राइट कह लीजिए या अबव और बिलो कह लीजिए, हम दोनों तरफ यहाँ पे इनको शो करते हैं। ये जो दो पार्ट्स हैं ये दो करेक्टर को रिप्रेजेंट कहते हैं, ये वर्टिकल भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंसेस को शो कर रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेविएशन बार डायग्राम। जैसा आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जीरो पे बेस लाइन के ऊपर की तरफ भी वैल्यूज़ है और बेस लाइन में नीचे की तरफ भी वैल्यूज़ है। इसमें हम ऐसी चीज़ों को शो करते हैं जो कि कंट्रास्ट करेक्टर्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में ये ऊपर की तरफ भी दिखाई दे रहा है और ये नीचे की तरफ भी दिखाई दे रहा है। एवरेज ग्रोथ शो करना चाह रहा है ये डायग्राम, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ है और नीचे की तरफ जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ है। इसके ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं और नीचे की तरफ हम नेगेटिव वैल्यूज शो करते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये 3 साल में सेल और नेट प्रॉफिट है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और सेल कितनी हुई, इसकी यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं और इनको हमने जो है यहाँ डाटा जो शो किया है एक डायग्राम में, और हमने बेसलाइन पर एक्स एक्सिस पर ईयर्स लिख दिए हैं।
इसमें हमने क्या किया है, पिंक कलर से हम सेल्स को दिखा रहे हैं, 10% सेल, 14% सेल एंड 12% सेल, और जो प्रॉफिट है उसको हम पर्पल कलर से दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए 85-86 में जो प्रॉफिट है वो है 50%, तो हमने उसको पॉजिटिव साइड में 50% शो कर दिया है। उसके बाद जो हमारे पास दो डाटा है उसमें 86-87 में -20% है, दैट मीन्स लॉस है, और सिमिलरली आगे 87-88 में -10% है, दैट मीन्स अगेन लॉस है। तो इस लॉस को शो करने के लिए, नेगेटिव वैल्यू को शो करने के लिए हम बेसलाइन के नीचे की तरफ आ रहे हैं और हमने -20% भी नीचे शो किया है और -10% भी नीचे शो किया है। तो जैसा मैंने आपको कहा, पॉजिटिव वैल्यूज़ हम बेसलाइन के ऊपर की तरफ शो करते हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो हम बेसलाइन के नीचे की तरफ शो करते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में चलता है, इसलिए हम इसको द्विदिशीय बार डायग्राम या बाय डायरेक्शन डिओ डायरेक्शनल बार डायग्राम कहते हैं। और क्योंकि ये डेविएशन दिखा रहा है, डिफरेंस दिखा रहा है, इसलिए हम इसको डेविएशन बार डायग्राम भी कहते हैं। यहाँ एक चीज़ और इन बार डायग्राम्स के साथ है कि कई बार वैल्यूज़ जो है किसी वेरिएबल की बहुत हाई होती है और किसी की बहुत कम होती है, मतलब डाटा में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, कोई वैल्यू बहुत बड़ी होती है और कोई वैल्यू बहुत ही छोटी होती है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें। तो क्या होता है कि अगर हम जो नॉर्मल स्केल मानते हैं उससे अगर हम बनाएं, और मुझे मान लीजिए एक वैल्यू शो करनी है 998 और एक वैल्यू शो करनी है 2, तो अब मैं जो मेरा अपना स्केल मानूंगी उसमें 998 और 2 के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा, एक बार मेरा बहुत ही छोटा रह जाएगा और दूसरा बार जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि डायग्रामेटिकली जो कि इसमें जो मेरे पास जो ग्राफ पेपर है उस पे पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक कंसेप्ट है दैट इज़ ब्रोकन बार डायग्राम, हम ब्रोकन बार्स बना देते हैं, ब्रोकन चार्ट बना लेते हैं। दैट मीन्स वैल्यूज़ में जहाँ मेजर डिफरेंस आ रहा है उसके बाद मैं थोड़ा सा बार को तोड़ देती हूँ और उस जो टूटा हुआ है उसको मैं इस तरह से कहना चाहिए टेढ़ी लाइन से शो कर देती हूँ और ये मान के चलती हूँ कि उसके बीच में वो सारी वैल्यूज़ जो है वो मेरी रह गई है। जैसे यहाँ देखिए आप, क्योंकि इसको 2 या 2.5 वैल्यू भी शो करना था, 2.5 वैल्यू भी शो करना था और साथ ही साथ इसको 62-63 तक भी पहुँचाना था, तो उसने क्या किया है कि एक बार इसने छोटा सा बना लिया है एंड देन 10 के बाद इसने डायरेक्टली 55 ले लिया है और बीच में इसको बार को इसने ब्रोक कर दिया है, तोड़ दिया है, और जो ये टूटा हुआ एरो वाला एरिया है इसमें हम ये मान के चलते हैं कि 10 से 55 के बीच की सारी वैल्यूज़ जो है, सारा ग्राफ जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार से ये ब्रोकन बार का हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं जबकि हमें डाटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाना हो। तो ये हमने जो वन डायमेंशनल डायग्राम्स थे उनको पढ़ा, जिसमें हमने लाइन डायग्राम और डिफरेंट टाइप के बार डायग्राम्स को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम टू डायमेंशनल डायग्राम्स जो है ग्राफ्स जो है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।